फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर जे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस स्टेज पे हैं रिलेशनशिप के जहां आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके संबंध का फ्यूचर क्या है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। क्या आपके दिल में ये सवाल आया कि ये रिलेशनशिप ना जाने आपको किस मोड़ पे ले आया कि आप इतना कुछ सोचने लगे इसके बारे में। थोड़ी सी खतरे की घंटी तो है, लेकिन घंटी बजने का मतलब ही ये है सचेत हो जाओ, इस तरह से स्टेप लो तो अगर आप संभालना चाहते हैं रिलेशनशिप को आप संभाल सकते हैं। आप उसको सस्पेंड करना चाहते हैं टेम्पररीली सस्पेंड कर सकते हैं। आप उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं परमानेंटली टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तीन सिचुएशन ही अराइज होंगी रीडिंग देखने के बाद कि रिलेशनशिप को रखना है, इसको संभालना है, संवारना है, या इसे करंटली होल्ड पर रखना है। आप सोचना चाहते हैं क्या करना है इसके बारे में, या थर्ड है आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। लेकिन मेरा हमेशा एक एडवाइस अपने व्यूअर्स को रहता है कि जब दो इंसान मिल बैठ के बात करते हैं तो दुश्मनियां भी खत्म हो जाती है। फिर ये तो प्यार के रिलेशन है। हर रिलेशनशिप को अगर हम चलाना चाहते हैं वो चलता ही है अगर हम चलाना चाहे, और सामने वाला भी। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सामने वाले की भी जिम्मेदारी है। जितनी आप में विलिंगनेस है इसको संभाल के रखने की, उतनी विलिंगनेस उसमें भी होनी चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चले कि उसमें विलिंगनेस है या नहीं, वो रीडिंग से ही आपको समझ आएगा बहुत हद तक। तो आज की रीडिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ। अगर आपके दिल में ये सवाल आया है कि आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या होने वाला है, फोर पाइल्स हैं आपके सामने, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैंने रखा है ग्रीन काजल, पाइल 2 पे है ब्लू क्रिस्टल, पाइल 3 पे मैं रख रही हूं ब्लैक इयररिंग, और पाइल 4 पे रखा है येलो क्लिप। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। वैसे मेरे कई व्यूअर्स ने कहा है वो सारी पाइल्स ही देखते हैं, सबकी रीडिंग देखते हैं, क्योंकि उनको दूसरी रीडिंग सुनने के बाद अपने रीडिंग से भी रिलेटेड कुछ बातें समझ आ जाती हैं। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ना देखें बाकी रीडिंग, सारी रीडिंग्स देख सकते हैं, और जिन जिन से आपको कोई इनसाइट मिलती है उसको आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपने अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूं। पाइल 1 ग्रीन काजल से, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 1 आपकी रीडिंग से जो एक इन्फ्लुएंस दिख रहा है रिलेशनशिप का वो ये है कि आप दोनों इस वक्त रिलेशनशिप से खफा हैं, नाराज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई खुलासा करना चाहते हैं, कुछ एक्सपोज करना चाहते हैं, ये रीडिंग में दिख रहा है। और आप नहीं कर रहे, आप रुक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस एक्सपोज करने की वजह से रिलेशनशिप का कोई ना कोई तो अंजाम निकलेगा ही, पर आप चुप बैठे हैं, आप नहीं कह रहे किसी से वो बात। आपके जो पर्सन है वो तो बहुत क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेकर कि उनको क्या करना है, रखना है नहीं रखना है, जो भी उनके मन में है बहुत क्लियर है उस बात को लेकर। इसलिए आपको जो भी करना है अपनी तरफ से आप निडर होकर वो बात कीजिए, उनके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस रिलेशनशिप को लेकर। जो बात आप बताना चाहते हैं, जो बात आपको लगता है कि बताने से रिलेशनशिप या तो संभल सकता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी संभल सकती है अगर आप उस बात को एक्सपोज करते हैं तो आप जरूर कीजिए, जो भी बात है आप कीजिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो तो बहुत क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओवरऑल जैसे मैंने बताया करंट सिचुएशन में थोड़ी नाराजगी या खफा है आप दोनों, क्योंकि वो तो क्लियर है। आप
किसी बात से अटके हुए वो बात को आप बता दें, एक्सपोज कर दें, जो भी है, इससे अपने आप आपको पता चल जाएगा रिलेशनशिप को कहां और किस और ले जाना है। आपके रिलेशनशिप में ये है अड़चन, कोई ब्लॉक है जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई मैच्योर लेडी है, कोई और लेडी ही है ये आपकी साइड से हो सकते हैं या आपके पर्सन की साइड से हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप में रुकावट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपके दिल में ये सवाल आया कि रिलेशनशिप किस और जाएगा, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपके पर्सन बहुत क्लियर है, अब ये लेडी चाहे उनकी तरफ से है आपकी तरफ से है, वो बहुत क्लियर है कि उनको क्या करना है। तो जो बात से आप अटके हुए हैं उस बात को आप बता दें, उसे एक्सपोज कर दें, जो भी है वो बात को क्लियर ओपन कर दें, ताकि इस रिलेशनशिप का कुछ अंजाम आपको पता चले। रिजल्ट जो भी है डरने की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, मिल बैठकर बात करने से तो दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, तो ये तो प्यार के रिलेशन है, इसमें डरना क्या, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये समझते हुए आपको जो कहना है कह दे, जो एक्सपोज करना है कर दे, जो खुलासा करना है आप कर दे, घबराइए नहीं। तो आपकी रीडिंग हुई पाइल वन की कंप्लीट, और जो लेडी है जो बीच में अड़चन कर रही है वो भी शांत हो जाएंगी टाइम के साथ, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। अब मैं लेती हूं पाइल टू, ब्लू क्रिस्टल, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की जो रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है उसमें तो हैप्पीनेस ही दिख रही है, आप दोनों एक होना ही चाहते हैं रिलेशनशिप में, ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो खुशी का ही है, कहीं ना कहीं आप दोनों के माइंड में यही है कि हमको एक होना है, आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही पजेसिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ये तो आपकी रीडिंग में दिख रहा है। अब कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आप थोड़े इमोशनली उनको फ्री कर दें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको कोई बात की इनसिक्योरिटी लगती है रिलेशनशिप को लेकर। आप उनको चाहते हैं, उनको लेकर फ्यूचर में भी क्लियर है कि आपको उनके साथ ही रहना है, लेकिन वो आपसे कुछ बातों को लेकर थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं जो आप दे नहीं रहे उनको, बहुत ज्यादा आपने पकड़ के रखा है, आप देख सकते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। जो फ्रीडम वो चाहते हैं अगर आप उन्हें देंगे तो जो प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करना चाहते हैं वो इजिली कर पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली बहुत शांत मिजाज के ठहराव वाले पर्सन हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है उनके अंदर, कोई ऐसा नुक्स नहीं दिख रहा उनकी रीडिंग में। तो आपको जो फ्रीडम देने को कह रहे हैं, क्या पता वो क्या बात होगी, आप ज्यादा जानते होंगे किसी भी तरह की, कि आप उनको थोड़ा टाइम दे तो वो कुछ हैंडल कर ले सिचुएशन, आप उनको कहीं जाने दे करियर के लिए, कुछ ऐसी बात, कुछ भी फ्रीडम वो आपसे चाह रहे हैं वो दिख रहा है रीडिंग में, लेकिन आप देने को तैयार नहीं क्योंकि आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं। लेकिन जब ओवरऑल पॉजिटिविटी, यस फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से आपको उनको वो रिलेशनशिप में जो फ्रीडम चाहिए कुछ सिचुएशंस को डील करने के लिए, आप उनको दे दें तो आपका जो रिजल्ट है फ्यूचर का बहुत ही बेहतरीन है। फर्स्ट कार्ड ही इतना पॉजिटिव है तो लास्ट तो अपने आप ही उसका जो रिजल्ट है अच्छा ही आएगा। तो आप घबराइए नहीं, जो फ्रीडम वो आपसे मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनको दें, ताकि वो कुछ बातें हैं जिनको वो संभालना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर मिले। तो मेरे ख्याल से आपकी रीडिंग में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है। अब हम लेते हैं पाइल थ्री, ब्लैक इयररिंग, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। पाइल थ्री, ब्लैक इयररिंग, ध्यान से सुनिए अपना रीडिंग। करंटली आप में और आपके पर्सन में बहुत ज्यादा फाइट्स चल रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में नहीं हो रही तो आप दोनों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप दोनों नहीं लड़ रहे तो आपकी फैमिलीज,
या कहीं भी आपको लेकर परेशानियां, आप दोनों को लेकर परेशानियां कहीं ना कहीं तो चल रही है, पर सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आप दोनों ही आपस में थोड़ा टसल में है इस वक्त। आप तो बहुत पछता भी रहे हैं, आपको बहुत बातों को लेकर गिल्ट है, तकलीफ है, रिजेंटमेंट है, गुस्सा भी है, पछतावा भी है, बहुत कुछ है आपके इमोशंस में दिख रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में। शायद आपको लगता है क्यों मैं ये रिलेशनशिप में आया या आई, क्यों मुझे क्या मिल रहा है इसमें से। शायद आपकी ये एनर्जीज हैं रिलेशनशिप को लेकर, पर आपके जो पर्सन है वो इमोशनल है, वो इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल है। वो इमोशनल जरूर है लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या स्टेप लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम वहां है, ये जो हैंगमैन का कार्ड है, उनको सिर्फ दिशा नहीं दिख रही कि कैसे संभाले इस रिलेशनशिप को। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, पछतावा है किसी बात का, झगड़े भी हो रहे हैं आप दोनों में या आप दोनों को लेकर दो फैमिलीज में, जो भी है, अगर ये सब चल रहा है और अगर आपके पर्सन क्लियर हैं आपको लेकर, वो आपसे अफेक्शन रखते हैं लेकिन उनको बस पता नहीं चल रहा वो किस तरह से आगे बढ़े इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए, इसको एक भविष्य देने के लिए, तो प्रॉब्लम वहां है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आप पछता रहे हैं, आप गुस्से में, तो इससे बेहतर है आप दोनों बैठकर किसी मैच्योर पर्सन का सहारा लेकर जो आप दोनों को समझता हो, ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करके इस रिलेशनशिप को एक अंजाम तक ले जाए। मैंने आपको बताया था तीन ही अंजाम हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप को उसके फ्यूचर तक ले जाएं, एक दूसरे के साथ रहें। सेकंड है आप टेम्पररीली उसको छोड़ दें, रिलेशनशिप को वक्त के साथ हील होगा। और थर्ड है आप रिलेशनशिप को खत्म कर दें। लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो है पर उसको खुद ये समझ नहीं है कि वो करे तो क्या करे, जो भी सिचुएशंस हैं आपके रिलेशनशिप की वो उसके कंट्रोल के बाहर है, उससे ऐसा लगता है। तो बात सिर्फ ये है कि आप दोनों को किसी पर्सन का सहारा लेकर, मैच्योर बंदे का, आपके दोस्त का, फैमिली मेंबर का सहारा लेकर इस रिलेशनशिप को किसी अंजाम तक ले जाना चाहिए। ये जो झगड़े हो रहे हैं आप में, आपके अंदर जो पछतावे की फीलिंग है, इसका कोई मायना नहीं है, बस वो पर्सन को दिशा नहीं समझ आ रही तो वो करे तो क्या करे। तो आप इस तरह से इस रिलेशनशिप को किसी ना किसी अंजाम तक तो ले जा सकते हैं, कोई नेगेटिव रीडिंग तो नहीं है आपकी। अब हम लेते हैं पाइल फोर येलो क्लिप। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के इमोशंस हैं लेकिन इमोशंस में फर्क है। जज्बाती आप दोनों बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप को लेकर। अब जज्बाती है उसमें गलत तो कुछ नहीं, लेकिन जज्बात किस किस्म के हैं बात उस पर आती है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत उदासीन हैं, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है रिलेशनशिप में, डार्क एनर्जीज हैं जिसे हम बोलते हैं। जज्बाती आप दोनों हैं लेकिन आपके जज्बात क्या हैं? घबराहट के, डर के रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही एनर्जेटिक हैं, वो दौड़ तो रहे हैं कि रिलेशनशिप को कोई अंजाम मिले। आपको ये नहीं समझ आ रहा वो दौड़ रहे हैं तो किस दिशा में दौड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको सोसाइटी का, समाज का बहुत डर है आपके पर्सन को, जिस वजह से आप भी घबरा जाते हैं। रिलेशनशिप को लेकर उन्हें कोई इश्यू नहीं है आपके पर्सन को, आप समझिए पूरी बात को। जज्बाती आप दोनों हैं, आप घबराए हुए हैं। आप क्यों घबराएं? क्योंकि आपके पर्सन ये बहुत सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो हर बात में रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करते भी हैं लेकिन जो बात बात में उनका ये जो डर है ना, लोग क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसकी वजह से वो डायरेक्टली आपके ऊपर असर करता है।
तो वो एनर्जी है उनमें रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कोशिशें हैं, एनर्जी से मेरा मतलब है उनमें वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर कोशिश में कोई ना कोई पर्सन का जो ये होता ना उनके दिल में, ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, तो उनकी जो कोशिश है वो सही रास्ते पे नहीं पहुंच पा रही। बस प्रॉब्लम रिलेशनशिप में यहां है आपके, कि अगर उनको ये समझ, ये जो डर है ना उनके दिल से ये निकल जाए ना एक बार कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा। मतलब आपके पर्सन मुझे लगता है हर काम में ही ऐसा करते हैं, अपने वर्क प्लेस में भी इनको यही इश्यू होगा कि मैं अगर ऐसे काम करूंगा तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, वही चीज उनके रिलेशनशिप में भी अपना असर दिखा रहा है। तो आपको जरूरी है, यही मैं तो लास्ट में एक ही बात होती है कि आप मिल बैठ के बात कीजिए। ये डर जो है रिलेशनशिप, अगर आदमी या औरत एक रिलेशनशिप में आते हैं, लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं, दो इंसान एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो किसी के डर से तो आप रिलेशनशिप को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। आपको तो अपने पर्सन का, आपको खुद घबराने की बजाय उनके डर को पहले खत्म करना पड़ेगा। वो जोशीले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, सही भी सोचते हैं, सीरियस भी, क्योंकि आप दोनों जज्बाती हैं रिलेशनशिप को लेकर, दोनों में इमोशंस हैं। बस उनको जो ये लोगों का खुद डर नहीं है, खुद के अंदर कोई डर नहीं है, उनको लोगों का डर ज्यादा है। और लोगों का डर किस हिसाब से, कोई क्या सोचेगा, ये जो उनका एक कॉम्प्लेक्स है ना, इसको आपको हटाना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये कॉम्प्लेक्स हट जाएगा उनके अंदर से, आपके रिलेशनशिप को एक सही अंजाम जरूर मिलेगा। तो आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सनल लेवल पे ही मतलब ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना उनका सामाजिक डर है। आपको लेकर नहीं, खुद के भी रिलेशनशिप से वो क्लियर है, पर जो लोगों का, अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव्स का, अपने लोगों का जो उनका डर है ना, बस वो अगर आप खत्म कर देंगे एक बार बैठ के उनसे बात करके, तो आपके रिलेशनशिप का भविष्य ठीक ही है। कोई पर्सनल लेवल पे आप दोनों में कोई मनभेद नहीं है मेरे, ये तो किसी भी रिलेशनशिप में मुझे मन भेद नहीं दिखा, ये अच्छा है। मतों का भेद होता है वहां तक तो ठीक है, मन का भेद नहीं होना चाहिए, वो किसी भी रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिखा आज की रीडिंग में। तो हर रिलेशनशिप सही अंजाम पर पहुंच ही सकता है अगर आप पर्सनली चाहते हैं। अब कई लोग होते हैं ऐसी रीडिंग देखकर, वो सोचते हैं अगर इसको समाज का डर है तो जाए, फिर मुझे क्या लेना देना, डरता रहे, मुझे नहीं रखना ऐसे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप संभालना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो बैठ के बात कीजिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये आज की पाइल्स की सभी की जो फ्यूचर है रिलेशनशिप की, वो कोई बहुत घबरा जाए हम ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई अंजाम तक उसे ले जाया जा सकता है, अच्छा ही है आप लोगों का भविष्य। बस आपको थोड़ी अक्लमंदी से काम लेना है, इतना ही मैं आपको कहूंगी।